ये आज दुर्घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये रिपेयर के लिए गैस जहाज आया था, उसके टैंक में ये जो मटेरियल थे, कुछ केमिकल थे, कुछ जो था उससे वो स्पोर्ट हुआ है। पर ये इसमें क्या कमी है, इसके लिए हमने तुरंत इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है, अच्छी बात नहीं हुई है। और इसको तुरंत हम इंक्वायरी करके उचित कार्रवाई करेंगे। ये जो रोड सेफ्टी का इशू है, ये मेरे डिपार्टमेंट का निगेटिव पार्ट है। दिस इज द ओनली चैप्टर जिस पर मैं ठीक से आपका समाधान नहीं कर सकता। मैं खुद एक्सीडेंट हुआ है मेरा, और ये देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है। मैंने मोटर व्हीकल एक्ट 2 साल पहले बनाया, फिर राज्य सरकार में चिल्लाहट हुई कि हमारे अधिकार ले रहे। फिर यूनुस खान राजस्थान के ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसमें सब राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस, टीआरएस, कांग्रेस के लेकर सब मंत्री थे। और 18 मंत्रियों ने मुझे यूनैनिमस रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर हमने सुधार करके वो एक्ट तैयार किया। वो एक्ट तैयार करके मैं पार्लियामेंट गया, पार्लियामेंट में लगने के लिए मुझे मेरे 2-3 सेशन चले गए। फिर वो पार्लियामेंट से पास हुआ, राज्यसभा गया, अब 4 सेशन हुए, मेरा एक्ट वहां पड़ा हुआ है। फिर राज्यसभा में कुछ लोगों ने कहा कि ये इसको फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजो, तो विनय सहस्त्र बुद्धि का एक कमेटी अपॉइंट की। उस कमेटी के पास हमारे सेक्रेटरी की 9 बार साक्षी हुई, मैं 2 बार मैं भी गया, फिर भी अभी तक वो सबमिट किया उन्होंने रिपोर्ट, पर अभी पार्लियामेंट में होता ही नहीं। मेरा दुख और दर्द ये है कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लाना, ड्राइविंग लाइसेंस में 30% लाइसेंस बोगस है, जो आरटीओ में ऑफिस में। इंडिया ये वर्ल्ड का ऐसा देश है कि जहां आसानी से लाइसेंस मिलता है। मैं करप्शन को हटाना चाहता हूँ। सारे प्रोग्राम्स बनाए, कभी यमुना की तरफ देखे, कितनी गंदगी है, ये कब ठीक होगा सर? देखिए, गंगा पर हम लोग 187 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसमें से 47 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, और मार्च के पहले सब प्रोजेक्ट के काम शुरू हो जाएंगे। पर मैं आपको कहूंगा कि यमुना पर मैं काम नहीं करूंगा। इसका कारण ऐसा है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री के साथ, एलजी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई, मैं वे आउट निकाल रहा हूं। कल ही एलजी मुझे मिलकर गए, और एलजी और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि हम तीनों बैठकर यमुना को शुद्ध करने के लिए भी जो काम है वो भी हम कर रहे हैं। तो मैं लंदन में गया था, और मैंने वहां अपने भारतीय मूल के उद्योगपति के यहाँ 150-150 भारतीय उद्योगपतियों को बुलाया था, और कब के जो उन सब लोगों ने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया, 3,000 करोड़ मुझे मिल गए। और यमुना का 32 किलोमीटर का पूरा रिवर फ्रंट, एक उद्योगपति ने कहा है 1,000 करोड़ का ऊपर काम है, ये पूरा करने की उन्होंने सहमति दर्शाई है। तो हमने गंगा के साथ गंगा की ट्रिब्यूटरीज और नाले सब भी शुद्ध कर रहे हैं। 19 मार्च में मैं आपको करीब 80-90% गंगा ये निर्मल होगी, इतना विश्वास दिलाता हूं।